हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा है कि ये चैनल कमिटेड है आपको पर डे कोई ना कोई बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता रहता है, उसी क्रम में हमारा नया वीडियो लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो यूपी बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए कब तक के लिए पोस्टपोन्ड हुए, एग्जाम की नई डेट कब तक आएगी। तो हाई स्कूल इंटर के जो एग्ज़ाम होंगे वो 20 मई तक तो बिल्कुल नहीं होंगे, 20 मई तक आपके जो एग्ज़ाम है स्थगित कर दिए गए हैं। जैसा कि अपने ऑफलाइन बैच में पहले ही कहा था कि अब आपके एग्ज़ाम जून में होने के पूरे आसार हैं, और अगर कंडीशन अच्छी रही तो जून में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि मई में जो कोविड के केसेज हैं वो अपने आप कम होने लगेंगे। ये मेरा अपना मानना है, कोई इसको सीरियसली मत ले और नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करे। हमारा ये अपना मानना है कि मई में जो केसेज होंगे धीरे धीरे नीचे जाएंगे और सब चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी और आपके एग्ज़ाम भी होंगे। देखिए, 10th के एग्ज़ाम भले ही कैंसिल, अभी देखिए अगर सीएम चाहते तो 10th के एग्ज़ाम कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 10th के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि 12th और ग्रेजुएशन या विश्वविद्यालय के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो 20 मई तक टाले गए हैं। इसका मतलब अभी वो फैसला लेंगे, फैसला उन्होंने लिया नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ फालतू की वीडियो पर ध्यान ना दें कि एग्ज़ाम रद्द हो चुके या ऐसा हो गया वैसा हो गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको पता है कुछ स्टूडेंट चाहते हैं एग्ज़ाम हो, और कुछ स्टूडेंट वो ज़िंदगी भर नहीं चाहते एग्ज़ाम हो, वो ऐसे ही पास होना चाहते हैं। तो जिसकी जैसी राय हो, बहरहाल वो अपना सोच सकता है, जो जिसको सोचना है वो सोचे, लेकिन हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके मन में ये है कि आपको प्रमोशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, या अगर आपको चाहिए कि एग्ज़ाम होना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। लेकिन हाँ, हम आपको ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि जिनका भी प्रमोशन हो गया अगर वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो अपना दोबारा एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर प्रमोशन आप चाहते ही नहीं हैं तो आप कमेंट करिएगा, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा। दोनों लोग कमेंट करें ताकि उनको पता चले कितने स्टूडेंट चाहते हैं मतलब प्रमोशन मिले। ये जो 20 मई तक डेट टाली गई वो आपको हम न्यूज़ अभी दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, ग्रेजुएशन की भी न्यूज़ यही है कि ग्रेजुएशन या विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम भी 20 मई तक टाल दिए गए हैं, 20 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। अभी भी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के अलावा सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक स्थगित कर दी हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से सूचना दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शिक्षा मंत्रालय ने CBSE 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होनी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। ये देखिए, आप लाइन सुन लीजिए, मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं। 15 मई तक तो आपको पता है स्कूल बंद ही हैं, 20 मई तक आपके एग्ज़ाम स्थगित हैं। मतलब सरकार चाहेगी और देखेगी कोविड के आंकड़े क्या हैं, उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। 2021 में जो हाई स्कूल की परीक्षा में उसमें कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, आप यहाँ पर पूरा डेटा देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, तो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया। तो आपके एग्ज़ाम 20 मई तक टाले गए हैं, हमने आज अपनी ऑफलाइन बैच में भी यही बताया था। तो अब आपको पता चल गया, तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स के एग्ज़ाम है 20 मई तक टाल दिए गए हैं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हाँ, बहरहाल आप तब तक निश्चिंत होकर पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं प्रमोशन तो आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर आप नहीं भी चाहते तब भी आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके हमारे चैनल को प्रमोट करिए। ये रहा हमारा आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।